तरीके से जन्मभूमि के यहाँ पर कृष्ण भगवान जी की पढ़ाई हुई है, नहीं है चिकित्सालय, यहाँ पे वैद्य लोग रहते हैं। हाँ मतलब जो भी है, तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे द्वार पे। इतनी शिद्दत से सोचा था, कुछ पूरा प्लान बनाया था भाई, एकदम पूरा फुल है भाई। ले आ गया एक और, मेरा खरा था साला ही। बाल देखो, बाल बाल कौन कौन दर्शन आज हम आपको कराने जा रहे हैं, इसका द्वार आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। ये कौन सा कुंड है, हम आपको बताते हैं कौन सा कुंड है ये वाला। हाँ तू क्या बता रहा था भाई? पहला श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि कहा जाने वाला है ये राज्य, ये जन्मभूमि वाला मंदिर आपके सामने है। मंदिर में अभी भी काफी भीड़ है। हेलो 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 जी, तो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज इस ब्लॉग की शुरुआत जो है काफी दिनों के बाद हो रही है, नए साल से हो रही है, और मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा क्या, हम तो अकेले हैं यार, यहाँ पे कुछ कोई है नहीं, तो बस अभी टाइम की बात करूँ तो अभी बजे हैं 10 और अभी हम सो के उठे हैं और फटाफट से कहीं चलते हैं यार, कहीं जाना था हमें। मतलब अकेले आज के दिन यार अच्छा नहीं लगता है, तो हम सोच रहे थे कहीं चल चलें, तो बस अभी सो के उठे, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं और ब्रश वगैरह करते हैं और फिर चलते हैं बाहर। बताते हैं फिर कहाँ चलते हैं, पता नहीं है यार कहाँ जाएंगे, विचार तो कहीं और का था लेकिन फिर सारा प्लान डिस्ट्रॉय हो गया। और बताते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, खाते हैं आपको। मैं आपको बता दूं तो खाने में हमारे पास एक कल का बचा हुआ छोला है, और ये चावल है, और ये कुछ छोले भटूरे और आइटम है। तो गाइस छोले भटूरे खाने का तो मन नहीं है, वैसे भी उग गए हैं खा खा के, और अब बस चावल और छोले गर्म करते हैं, फटाफट से खाते हैं, फिर उधर चलते हैं, वहां कुछ खाने को मिलेगा मस्त जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल देखते हैं क्या मिलता है आज खाने को, चलते हैं फटाफट से। छोला चावल और प्याज वगैरह फर्स्ट क्लास का, और फटाफट से बिताते हैं एकदम जल्दी से यार, दन से, क्योंकि यार 11 बजने वाले नहीं 10:30 बजने वाले हैं यार, और चलना भी है जल्दी से। घर से निकल चुके हैं और कुछ ही हमारे पास छोले और भटूरे थे जो हमने ले लिया है, फिर चल रहे हैं। ये रही अपनी बुलबुल, रोड पे ही खड़ी है यार, देखा कैसी लग रही है पूरी, और यहाँ पे कचरा निकाल के रखा है यार। तो ये रही अपनी बुलबुल, पूरी गंदी हो रखी है यार, हरी रोड पे तो ऐसी लग रही है यार, कचरा उचड़ा है तो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। गाड़ी अपनी कोई नहीं, चलते हैं फटाफट से अब। और मैं बता दूं तो हमारा जो प्लान था, है नहीं था, हरिद्वार जाने का, लेकिन एंड मौके पे मतलब हमने मतलब पूरी तैयारी कर रखी थी, अपने अपना टेंट वेंट सब तैयार व्यार कर लिया था, मतलब चूल्हा वगैरह मतलब जो भी खाने पीने का सामान था सब कुछ रेडी करके रख रखा था भाई। लेकिन एंड मौके पे कल की डेट में ऐसा कुछ हुआ कि मतलब भाई बता नहीं सकते क्या हुआ। हम लोग हरिद्वार जाने वाले थे आज की डेट में, और हमने सब कुछ अपना रेडी कर लिया था जो भी था, मतलब चूल्हा चक्का मतलब और खाने पीने की चीज़ें टेंट वेंट सब कुछ तैयार कर रखा था। लेकिन हमारे घर वाले जो है ना भाई, वो भाई अलग ही लेवल के हैं। चलिए आपको सुनाते हैं क्या क्या हुआ था, किस वजह से हम नहीं जा रहे थे। तो फटाफट से पहले चलते हैं अपने भाई के रूम पे चलते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं आज का क्या सीन होता है फिर आपको। तो जो हमारे चैनल का नाम था पगलेट ट्रैवलर, तो वो क्या था कि नाम बहुत अच्छा था भाई, नाम में तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी ना कुछ अजीब सा अधूरा सा लग रहा था हमें। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल का नाम सर्च किया फिर से, मतलब ना तो जो मैं रखना चाहता था ना वो पहले से कोई ले रखा था, क्योंकि जिस भाई से हम इंस्पिरेशन लेते हैं, जिनकी वीडियो देख के हमें कुछ सब सीख रहे हैं, मतलब जो भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो उनका चैनल का नाम दरअसल ऐसे ही कुछ है जैसा मैं सोच रहा था। तो मैंने वो देखा कि क्या हम भी ले सकते हैं उस चीज़ को, तो उस चैनल पे पहले से ही कोई ले रखा था, उस चैनल को नाम ले रखा था, तो हमें नहीं लगा कि चीज़ें सही होंगी फिर से रखना।
लेकिन फिर मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो अभी मैंने जो चैनल का नाम रखा है वो रखा है द यूपी एक्सट ट्रैवलर। यूपी एक्सट से मेरा मतलब है कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं यानी कि गाजीपुर से, तो वहाँ आरटीओ का कोड जो है शायद जो भी मतलब जो भी कहा जाता है उसे, तो वो यूपी एक्सट से ही जाना जाता है, तो हमने भी भाई वही रख दिया। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, मतलब जैसा भी है मस्त लगा होगा। तो आज से हमारे चैनल का नाम है द यूपी एक्सट ट्रैवलर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तेरी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। कौन कौन जाने वाला था हरिद्वार? नहीं बता बता। बाल देखो, बाल बाल कौन 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 नंगा है ये का बोला है? उसने बोला होगा तेरे से, तभी तो बोला होगा तुम्हें। देख रहे भाई बाल आपको खाने से कर लूंगा। हैं हरिद्वार जाना है हमने, किसको कुंडली है, तो सब साथ जाएंगे। कब जब जाएंगे सब कब जाएंगे? चलो साथ जाएंगे। चलो ठीक है। हाँ भाई साहब, मतलब सभी हम ऊपर आए थे छत पे, और हमारा यहाँ पे ये चिकन कुत्ता मसाला है। गाली खाएंगे अच्छा, चिकन कुत्ता मसाला काट दे, काट दे। तो भाई यहाँ पे हमारा हलवा चल रहा है, शुरू कर काट दे। हाँ ठीक, काट देंगे नहीं, काट देंगे। हाँ भाई तो हमारा ये चल रहा है फर्स्ट क्लास का हलवा यहाँ पे, और दोपहर का मजा ले रहे हैं। और भाई कहाँ जाने वाले थे हम आज यार? पहाड़ों पर ना सबको मिल जा रही है भाई। भाई बताइए भाई, इतनी शिद्दत से सोचा था, कुछ पूरा प्लान बनाया था भाई, पूरा फुल। अरे भाई ले आ गया एक और। ए, मेरा खरा था साला, ये सबसे ज्यादा लेके आया, ये खाएगा नहीं इतना ही हमें पता है। बिताते हैं हलवा, फिर उसके बाद बतियाते हैं, मजा आ जाएगा भाई। बहुत जद्दोजहद करने जो भी बोलते हैं, बहुत यावा फलाना ढिकाना करने के बाद हमें कुछ गुड न्यूज मिली है जो हम आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं भाई। हम आपको बता दें कि हम शाम तक का टाइम लेके घर से निकल चुके हैं ना भाई, लेकिन पता नहीं कब आएंगे यार। पता है आने के बाद तो लाद घुसम का सब चलेगा, रोला काट देंगे रोला। बताओ करना क्या है, मतलब कहीं दूर चले या मतलब लोकल में से चलना है? लोकल में चलना है तो इसी तरह निकल लेते हैं। लोकल में कहाँ, हमें नहीं पता, वही घूमेंगे इधर उधर रात तक। आ कहीं चलना है दूर तो मतलब कल ही आएंगे शाम में। अब बता डर भय वाली यार, टेंशन है कहीं गाली वाली ना खाए साला। गाली वाली पील के खाएंगे हम, दो एक महीना दिखेंगे नहीं फिर। खैर तेरा तो हाल ही अलग होगा, हमारा भी हाल अलग होगा, हम तो फोन बंद करके बैठ जाएंगे। ले लीजिए रिस्क, चले वृंदावन फिर, मजाक नहीं। चल कृष्ण भगवान का नाम ले, चल वृंदावन चलेंगे, चल गाड़ी स्टार्ट कर, घर चल। बोल देंगे कि 1 बजे तक पहुंच गए थे।
चल अब घर चल पहले पक्का। नहीं, जब बुलबुल है ना हमारी, उसको फुली रेडी कर, मतलब पूरी तरीके से रेडी कर दिया उसको, और भाई भी पूरी तरीके से रेडी है मस्त एकदम। हाय गाइस, घर वालों की आधी सहमति के साथ हम वृंदावन का सफर तय करने के लिए इसके घर से तो आधी सहमति मिली है, मेरे घर वालों को तो पता भी नहीं है अभी कि हम जा रहे हैं, अब आने के बाद बताएंगे। भाई माफी दे दियो यार, घर वालों माफी दे दियो, जा रहे भी ना बताए। भाई यार जा तो रहे लेकिन एक चीज की कमी लग रही है हमें। क्या यार, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी से। और भाई भाई कहीं जाए और हमारा शान न रहे हमारे कंधे पे, तो साला जाने का फायदा ही क्या है भाई। अपना चलते हैं, आप सीधे मिलते हैं गाड़ी पे, आपको गाड़ी दिखाते हैं पहले, फिर उसके बाद